दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर एक टैब जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मिला था और इसका मॉडल नंबर है Acer 18 टैब। और चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है और इसका क्वालिटी कैसा है, और इसको रिसेट करने का भी कोशिश करेंगे। और जो भी रिसेट करने का प्रोसेस होगा इस पर एक वीडियो आ जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार जब यह टैब मिला था तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप इस बार भी नए वाले टैब पर वीडियो बनाइए कि इस टैब को किस तरीके से फैक्ट्री डेटा रिसेट किया जाता है, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है, इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इसके फीचर के बारे में जानेंगे, देखेंगे इसका क्वालिटी क्या है और इस पर क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक बैक कवर मिल जाता है। यह बैक कवर आपको अलग से मिलता है, इस बॉक्स के अंदर नहीं होता है। और बैक कवर की क्वालिटी की बात करें तो यह मैट फिनिश के साथ आता है। इस पर एक टेक्सचर भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है, और सच में इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इसमें जब आप लगा करके यूज करेंगे तो बहुत अच्छा फील आता है। इसको मैंने लगभग 2-3 दिन तक यूज भी किया है। सो यहाँ पर आपको एक हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है कुछ इस तरीके का, और यहाँ से यह खुल जाता है ताकि आप कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करके आप पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको साइड करते हैं, इसके बाद अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले यहाँ पर इसके बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एसर का 18T482L इसका आई थिंक मॉडल नंबर है, और यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग दिया गया है, यहाँ पर भी ब्रांडिंग है। और इसके बाद यहाँ पर पीछे कुछ इसका स्पेसिफिकेशन लिखा गया है। इसमें एंड्रॉयड वर्जन है, इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर है, और 3 GB रैम के साथ आता है, या 32 GB इंटरनल स्टोरेज इसमें मिल जाता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, और इसमें 5100mAh का बैटरी मिल जाता है। 4G इसमें है, या 5G कोई टैब नहीं है, यह 4G टैब है, तो आप समझ सकते हैं। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, IPS डिस्प्ले है, और ठीक ठाक है इसका रेजुलेशन। और इसमें आप एक सिम कार्ड लगा सकते हैं जो सबसे छोटा वाला आता है सिम कार्ड, और इसमें एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 8 MP का रियर कैमरा दिया गया है और 2 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि एक डिसेंट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। यदि आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप इससे काम चला सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा फोटोग्राफी के लिए, लेकिन फिर भी आप मीटिंग वगैरह करने के लिए ये काम दे देगा। चलिए अब बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका टैब है उसका डिटेल्स है, ठीक है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके का फॉर्म लगा होगा, और इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर यह टैब आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। तो टैब को निकालते हैं, कुछ इस तरीके का टैब आपको कुछ इस तरीके से पैक करके मिलेगा। टैब को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। यह पैक है, यहाँ पर एक एडाप्टर मिल जाता है जो कि 5 W का यह एडाप्टर है, जो कि डिसेंट जो नॉर्मल चार्जिंग आता है वही चार्जिंग है, इसमें कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक ईयरफोन मिल जाता है, ईयरफोन का क्वालिटी देखते हैं। इसका ईयरफोन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जिसका ये जो रबड़ का ग्रिप है और वायर का क्वालिटी है ठीक है, फ्री में मिला है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो अच्छा ही है सब कुछ। और यहाँ पर एक केबल दिया गया है, USB केबल। सो यहाँ पर USB केबल कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको एक USB केबल, एडाप्टर और मिल जाता है एक ईयरफोन, और यहाँ पर है एक यूजर मैनुअल, और जिनको टैब के बारे में कुछ भी नहीं पता है वह यूज कर सकते हैं। बेसिकली यह टैब जो होता है यह मोबाइल की तरह ही काम करता है, बस इसका जो स्क्रीन होता है वह बड़ा मिलता है आपको, जिससे जो आप काम करेंगे वह आप मल्टीपल मतलब स्प्लिट स्क्रीन करके भी काम कर सकते हैं, और जो आपको व्यू मिलेगा वह थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, जिससे आप पढ़ाई लिखाई का जो काम हो गया और व्यूइंग एंगल है जो बेसिकली आपको बड़ा मिलेगा, तो आप अपना काम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर लगभग ऑलमोस्ट जैसे मोबाइल काम करता है सेम वैसे ही करता है। तो ये रहा आपका टैब, और पीछे से कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, 2 स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर एक कैमरा आपको मिल जाता है, एक LED लाइट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पर कैमरा मिल जाता है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर एसर का ब्रांडिंग है,
और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और यहाँ पर वॉल्यूम अप और डाउन का यहाँ पर बटन है। नीचे कुछ भी नहीं है। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी का एक पोर्ट दिया गया है, जिसके ज़रिए आप इस टैब को चार्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईयरफोन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और इसको जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैक दिया गया है। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप सिम कार्ड लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और किस में मेमोरी कार्ड लगेगा यहाँ पर लिखा भी है, आप इसको देख करके तभी लगाइएगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको यह खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लगा करके इसको बंद कर दीजिए, यह बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। और इसके बाद आप इसको यूज करेंगे। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये रहा एसर का टैब, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, वही जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर हर बार की तरह इस बार भी मिलता है, जो कि जिसमें योगी जी और योगी जी का फ़ोटो रहता है। कुछ लोगों को यह पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। तो जिनको पसंद नहीं आता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इस टैब में कुछ ऐसा लॉकर सिस्टम नहीं है कि आप वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सिंपली गैलरी में जाकर के कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज है और सब कुछ है, इसका जो आइकन का साइज है, मैंने छोटा करके रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और चलिए इसको वॉलपेपर चेंज करके देखते हैं। मैंने इसका वॉलपेपर चेंज भी किया था। आप सिंपल सा वॉलपेपर इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जब आप वॉलपेपर चेंज करेंगे तो यह कुछ समय बाद ऑटोमेटिक फिर यही डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आ जाता है, जो मोदी जी का और योगी जी का जो वॉलपेपर है वही डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ से यूज एज पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और सेट वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे और होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर सिलेक्ट करेंगे। तो यह जो आपका वॉलपेपर है यह सेट हो गया। सो देख सकते हैं आप, यह वॉलपेपर सेट हो चुका है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो इसका वॉलपेपर है मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि यदि आप ऐसे ही इसको छोड़ देंगे लगभग एक दिन तक, तो यह ऑटोमेटिक जो वॉलपेपर है डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर पर स्विच हो जाता है, यह वॉलपेपर हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला है, उसको आप इस टैब में अप्लाई करेंगे तो जो आपका यह वॉलपेपर है हमेशा के लिए जो आप सेट कर देंगे वही रहेगा। इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा तो आप देख लेना। और इसके कैमरे की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का कैमरा आपको मिल जाता है, इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का कैमरा मिल जाता है। ठीक है, आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना चाहते हैं, उसके लिए इसका जो क्वालिटी है ठीक है, बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से यहाँ पर फ्लिप करके आप इसका जो ये क्वालिटी है ये भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। सो ये रहा अनबॉक्सिंग। अब इस टैब के बारे में जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में करिए, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, हैंग करता है, रिसेट करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, या फिर कोई और फीचर इस टैब में यूज करना है, और कुछ भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, आप इस पर मैं वीडियो आएगा। और यह टैब मेरे पास ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, हालाँकि मेरे पास यह मेरा टैब नहीं है, मेरे भाई का टैब है, तो मेरे पास ही रहेगा, उसको यूज नहीं करना है। तो जो भी जिसको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और इस टैब पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।